Without wasting time, let's get started. Today I'm going to teach you Class 12 English with Stars Chapter Number 2, The Tiger King. This chapter is written by Kalki. At the end of the chapter, we will discuss about some important question and answer which is important for your board exam. यह जो चैप्टर है यह एक काल्पनिक कहानी है। यह चैप्टर एक रियल कहानी नहीं है, यह मतलब एक मनगढ़ंत एक कहानी है। यह चैप्टर की स्टार्टिंग होती है प्रतिभम पूरम से, जहां पर एक 10 दिन का लड़का पैदा होता है। वहां पर कुछ मौजूद जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग बताते हैं कि यह लड़का एक दिन मरेगा, और वहां पर मौजूद कुछ एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करते हैं कि यह लड़का एक दिन मरेगा, लेकिन यह लड़का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान राजा बनेगा। यह लड़का एक बहुत ही बहुबली और बहुत ही पावरफुल पर्सन होगा, लेकिन इसको मरना होगा। फिर वहां पर अचानक एक चमत्कार होता है। वह जो 10 दिन का लड़का जिलानी जुंगजुंग बहादुर बोलने लगता है, वहां के जो लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं कि यह 10 दिन का लड़का कैसे बोलने लगता है। यह एक तरीके का चमत्कार हो गया कि 10 दिन का लड़का अचानक से बोल बैठता। अब वो क्या बोलता है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन मरना होगा। इसमें चमत्कार तब होगा कि आप मुझे यह बात बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, मेरे मरने का कारण क्या होगा। मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मेरे मरने का अगर वजह आप मुझे पहले से बता दीजिएगा तो इसे मैं समझूंगा कि यह एक आपका करेक्ट भविष्यवाणी था। तो वहां पर मौजूद एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप जो है आर्ट्स ऑफ बुल में पैदा हुए हो, जिसका मतलब आप ऋषभ राशि में जन्म लिए हो। ऋषभ और टाइगर यह दोनों दुश्मन होते हैं, आपके मौत का कारण एक टाइगर होगा। अब देखिए यह जो कहानी है, इस कहानी को हम लोग 20 साल आगे ले जाते हैं। 20 साल बाद जो है वो जो लड़का होता है छोटा सा, वो अब बड़ा हो जाता है। वो जो लड़का होता है वो प्रतिभम पूरम का राजा हो जाता है। प्रतिभम पूरम एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा जंगल हुआ करता है, और उस जंगल में जंगली जानवर वगैरह भी रहा करते हैं, और उस जंगल में शेर भी रहता है। राजा सोचता है कि अगर मैं शेर को मार दूं पहले तो क्या मैं बच जाऊंगा, शेर के कारण मेरा मौत नहीं होगा, क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो उसको बताता है कि आपके मौत का कारण क्या होगा, एक टाइगर होगा। तो राजा क्या करता है कि सबसे पहले वो एक टाइगर को मार देता है। जैसे वो एक टाइगर को मार देता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और वो सारे एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है, और वो उन्हें बुलाकर बोलता है कि मैंने जो है टाइगर को मार दिया, क्या अब भी मुझे टाइगर से खतरा है। तो वहां पर मौजूद एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपको पहले टाइगर से खतरा नहीं है, आपको 100वें टाइगर से खतरा है। फिर राजा उसको बोलता है कि अगर मैं 100वें टाइगर को अगर मार दूं, 100 के 100 टाइगर को अगर मार दूं तब क्या होगा। तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है कि यह कभी पॉसिबल नहीं है, अगर आप 100 के 100 टाइगर को अगर आप मार देते हैं तो मैं अपने जो सारे बुक वगैरह हैं और जो सारे किताब वगैरह, उन सभी किताबों को मैं जला दूंगा और मैं एस्ट्रोलॉजी का काम मैं छोड़ दूंगा। राजा जो है वो शिकार कंटिन्यू रखता है और वो शेर मारने लगता है। राजा जो है एक ऑर्डर निकालता है कि प्रतिभम पूरम में मेरे अलावा दूसरा कोई भी आदमी शेर को नहीं मारेगा। अगर कोई भी दूसरा पर्सन अगर शेर को मारता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसको मैं जब्त कर लूंगा। वहां के लोग जो है शेर को मारना छोड़ देते हैं। अचानक से वो जो टाइगर किंग होता है उसको एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक ब्रिटिश सेक्रेटरी होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है इस टाइगर किंग राजा के कंपैरिजन में। वो जो पावरफुल राजा होता है वो टाइगर किंग को बोलता है कि मैं आपके राज्य में कुछ टाइगर मारना चाहता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन देंगे। मतलब वो जो ब्रिटिश सेक्रेटरी होता है वो इसके राज्य में घुस के टाइगर मारना चाहता है। वो उसको मना कर देता है कि मैं अपने राज्य में आपको टाइगर मारने नहीं दूंगा, लेकिन आप इस राज्य में दूसरा कोई भी जानवर अगर मारना चाहते हो तो आप यहाँ पर आराम से मार सकते हो और आप ले जा सकते हो। लेकिन यह जो टाइगर किंग होता है इसको यह चीज का डर होता है कि क्या पता वो जो ब्रिटिश सेक्रेटरी है वो तो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, अगर उसको ईगो में लग गया तो क्या पता वो इसके राज्य में घुस के झगड़ा न कर बैठे, युद्ध न कर बैठे। जिसको यह मैनेज करने के लिए यह क्या करता है, अपने तरफ से वो जो ब्रिटिश सेक्रेटरी होता है उसकी वाइफ को वो 50 सोने की अंगूठी वो गिफ्ट करता है, जिसकी कीमत होती है 3 लाख रुपए। वो जो टाइगर किंग जो होता है वो बहला फुसला के वो जो ब्रिटिश सेक्रेटरी होता है उसको यह मैनेज कर लेता है और वो बात को बिगड़ने नहीं देता। अब तक जो है राजा 70 टाइगर मार चुका होता है, अब राजा को 30 टाइगर बचा होता है मारने के लिए। राजा जो क्या करता है वो अपने दीवान को बुलाता है और वो उसे बोलता है कि अब मुझे शादी करना है, लेकिन मुझे शादी वैसे जगह पर करना है कि वो लड़की जो है हमारे कास्ट की भी होनी चाहिए
और वो लड़की जो है उसके राज्य में टाइगर भी होना चाहिए। तो दीवान जो है एक ऐसी लड़की खोज के उसको दे देता है जिसके राज्य में टाइगर भी है और वो लड़की देखने में भी अच्छी है और वो उसके कास्ट के भी। अब राजा का उस लड़की से शादी हो जाता है। राजा जब भी ससुराल जाता है घूमने के लिए वो 5-6 टाइगर को वो हमेशा मारता ही है। अब तक जो है राजा 99 टाइगर मार चुका होता है। अब वो एक टाइगर मारने के लिए वो खोजता है, लेकिन ना प्रतिभमपुरम में एक भी टाइगर बचा होता ना उसके ससुराल में। तो टोटल जो टाइगर होता है उसको राजा मार चुका होता है, लेकिन इसको 100 मिशन इसको कंप्लीट करना था। जो उसका जो दीवान होता है वो दिमाग लगाता है, वो चेन्नई के एक पीपल पार्क से एक टाइगर को लाता है और वो प्रतिभमपुरम के जंगल में उस टाइगर को छोड़ देता है। अब वो राजा को बताता है कि इस जंगल में एक टाइगर बचा है। तो राजा क्या करता है, उस टाइगर को मारने के लिए जाता है। जैसे राजा उस टाइगर को मारने के लिए जाता है तो वो उसे मारता है, लेकिन वो टाइगर मरता नहीं है। तो राजा उसके पास जाता है चेक करने के लिए क्या ये मरा या फिर नहीं। जैसे वो जाता है कि वो नहीं मरता, लेकिन वो उसको फिर से मार देता, उसको मारने में सक्षम हो जाता। अब जो है राजा अब तक का 100 शेर मार चुका होता है और वो अपने राज्य में बहुत ही ज्यादा ऐलान करवाता है कि हमने 100 शेर को मार गिराया। एक दिन राजा का जो बेटा होता है उसका जन्मदिन होता है। उसके जन्मदिन पे जो राजा होता है वो एक लकड़ी का टाइगर अपने बेटे को वो गिफ्ट करता है। राजा का जो बेटा होता है वो राजा को बोलता है कि पापा आप मेरे साथ आइए, हम लोग साथ में खेलेंगे। तो वो जो राजा होता है और उसका जो बेटा होता है वो लोग लकड़ी के जो टाइगर होता है उससे वो लोग खेलने लगते हैं। वो जो लकड़ी का जो टाइगर होता है ना उसका एक खोज जो होता है वो उसके राजा के हैंड में चला जाता है। जैसे वो उसके राजा के हैंड में चला जाता है तो उसके बॉडी में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण से वो राजा की मौत हो जाती है। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको आप समझ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राजा जो है वो ब्रिटिश सेक्रेटरी को कैसे मैनेज करता है। तो इसका आंसर होगा राजा जो है ब्रिटिश सेक्रेटरी की वाइफ को 50 गो अंगूठी देता है जिसकी कीमत होती 3 लाख। मतलब बहला फुसला के वो उसकी वाइफ के थ्रू या सिचुएशन को वो मैनेज करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो राजा को क्या बताते हैं। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोलॉजर जो है वो राजा को बताते हैं कि आपका जो मौत होगा वो एक टाइगर के कारण होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो राजा होता है यह अपना मिशन को कैसे कंप्लीट करता है। तो इसका आंसर होगा राजा जो है वो अपने राज्य में 70 टाइगर को मार देता है, उसको बाकी होता है 30 टाइगर मारना, जिसके लिए वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसके राज्य में ऑलरेडी टाइगर हो। तो वो उसके राज्य के भी टाइगर को मार देता है, लेकिन अब तक वो 99 टाइगर को मार चुका होता है, लेकिन उसको 100 पुराने के लिए एक और टाइगर की जरूरत होता। तो उसका जो दीवान होता है वो दिमाग लगाता है, वो चेन्नई के पीपल पार्क से एक टाइगर को लाता है और वो अपने प्रतिभमपुरम में छोड़ देता है जिसे वो राजा के थ्रू मरवाता है। और राजा का मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमने 100 टाइगर को मार दिया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मरा तो बेचारा वही लकड़ी का टाइगर से ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह चैप्टर में क्या चमत्कार हुआ। यह चैप्टर में यह चमत्कार हुआ कि एक 10 साल का लड़का अचानक से बोलने लगा। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका जवाब वहां पर जरूर दूंगा।